हेलो, मैं जीत पाल से गवर्नमेंट एम एम कॉलेज मानगढ़। बी सी ए के अंदर अपने फंडामेंटल की क्लास चल रही है कंप्यूटर की, पर अपने चल रहा था डॉस के बारे में। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। विंडोज़ में क्या था, विंडोज़ में 95, 98, 2000 XP ये सारी कौन सी थी, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो दोस्त के अंदर कर अपने कमांड शुरू की थी, एक नंबर थी इंटरनल कमांड, इंटरनल कमांड में आपको मैंने कल कमांड करवा दी थी पांच तरह की। सबसे पहले कमांड कराई थी कॉपी कॉन, फिर दूसरे कराई थी टाइप कमांड, फिर CLS, फिर DIR, ऐसे करके अलग अलग मैंने आपको कमांड करवाई थी। कॉपी कॉन का क्या काम था, कंप्यूटर के ऊपर जब अपने काम करते हैं, ये आपका डॉस प्रॉम्प्ट है, डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर ये अपना डॉस प्रॉम्प्ट है। विंडोज में आप जो काम करते हो तो विंडोज के अंदर ये डॉस प्रॉम्प्ट आपको बाद में जाना पड़ेगा। ये जो डॉस प्रॉम्प्ट है ये विंडोज में आज के डेट में करना चाहो डॉस के अंदर काम, तो क्या करोगे, जो आपके सामने विंडोज ओपन हो रही है उसमें स्टार्ट बटन पर जाओगे। किस पर जाओगे, स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, उसके बाद उसमें एक्सेसरीज एक ग्रुप आएगा, उसमें जाओगे, फिर आगे डॉस प्रॉम्प्ट का सिंबल आएगा ब्लैक कलर का, ऐसे तरह उसके ऊपर सी लिखा होगा, उस जब क्लिक करोगे तो ये चीज आ जाएगी। ये क्यों जरूरी है, ये आपके सिलेबस में है, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी 1995 से पहले डॉस चलता था, डॉस के अंदर विंडोज चलते थे, जैसे मैंने कल आपको बताया था। डॉस के अंदर CD करके विंडोज में जाते थे, CD एक कमांड है, इंटरनल कमांड है, ये भी आपको कराएंगे। CD विंडोज करके एंटर करते थे तो अपने पास ये चीज आ जाती थी विंडोज ऐसे, तो यहाँ पे WIN उसका एक्सटेंशन होता था विंडो को, ये दिखते थे तब विंडो आज की तरह ओपन होती थी, पहले ऐसा नहीं था 95 से पहले ये तरीका था करने का। आज की डेट में अपने XP में काम करते हैं, विंडोज 7 में काम करते हैं, 8 में 10 में काम करते हैं, उसमें डायरेक्ट विंडोज ओपन होती है, मतलब आज की डेट में ये सारे अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पहले नहीं था। पहले विंडो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, डॉस के ऊपर जाकर विंडोज अपने को चलानी पड़ती है। तो कहने का मतलब अपने डॉस को पहले सीख रहे हैं, डॉस सबको जरूरी है क्योंकि डॉस के बिना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको डॉस ही करना है। तो जो कल अपने कमांड मैंने आपको करवाई थी, कॉपी कमांड कराई थी, उसके बाद टाइप कमांड कराई थी, फिर CLS, फिर DIR, ऐसे करके कल आपको कमांड करवाई थी। अब आगे अपने नेक्स्ट कमांड कर सकते हैं, इसके अंदर अब आप इसे अपने कर सकते हैं कॉपी कमांड। कॉपी का मतलब आपने कोई फाइल बनाई थी कल, जैसे कॉपी कमांड करके आपने फाइल बनाई, उसको DIR से देख लिया, DIR कमांड के आपने देख लिया, उसे मान लो आपको फाइल बनाई थी AP नाम से, उसके आप कॉपी करना चाहते हो, दूसरी कॉपी करना चाहते हो, तो कॉपी लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस बार दबाएंगे, फिर मैंने उसको फाइल का नाम दे दिया, फिर स्पेस बार दबाया, फिर नया नाम दे दिया मैंने, AP नाम की फाइल तो रहेगी रहेगी, स्पेस भी आ जाएगी। ये कमांड क्या है, कॉपी कमांड। आज की डेट में अपने विंडोज में क्या करते हैं, माउस का राइट बटन दबाते हैं, जिसको अपने कॉपी करना उस फाइल के ऊपर जाके उसको कॉपी पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे आपको लेके चले उस फाइल को वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन डॉस बेस जो है ये किस पे आधारित है, CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस। विंडोज किस पे आधारित है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि CUI का मतलब लिख के सारे निर्देश देने पड़ेंगे, यहाँ पे अपने लिख के करने हैं। विंडोज में क्या करने हैं, अपने कॉपी कमांड बहुत आसान है, उसी तरह GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपके पास माउस है, पिक्चर आइकन्स के रूप में दिखती हैं सामने, उस पर क्लिक करते हो सारा काम आपका माउस कर देता है, कुछ नहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, निर्देश देने के लिए आपको माउस ही यूज होता ज़्यादातर। लेकिन डॉस के अंदर ऐसे आपको करना पड़ेगा, इतनी लंबी कमांड पहले करते थे, ये थी कॉपी। अब आप चाहते हो दूसरी कमांड करनी है रीनेम, RENE, इतना ही लिखना है। रीनेम का मतलब आपकी अभी फाइल बनाई है अपने AC नाम से, इसका हमें नाम चेंज करना है, पहले तो देखो AC, फिर स्पेस क्या देना है इसको, AD दे दो मान। अब क्या होगा, AC नाम की फाइल आपको दोबारा दिखाई देगी, देखने के लिए क्या बताया था मैंने कल आपको, DIR, अभी जो आपने काम किया है उसको देखना कैसे है, DIR कमांड से। इसे क्या होगा, जो भी आपने फाइल अभी नाम चेंज किया था वो शो हो जाएगी, AC शो नहीं होगी, ADR। ये सिंपल चीजें हैं, बेसिक ज्ञान है जो आपको सबको करना है।
कौन कौन सी कॉपी रीनेम, ये नई कमांड होगी। अब अपने कमांड जैसे कल के हिसाब से देखिए तो कल मैंने सबसे पहले करवाई कॉपी कौन, फिर दो नंबर अपने की टाइप, फिर तीन नंबर अपने की CLS, चार नंबर अपने की DIR, पांच नंबर अपने कह सकते हैं कॉपी, छह नंबर अपने कर ली रीनेम। ये कमांड के ध्यान रखने, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगा, थोड़ा समझने के लिए आपको मैंने बताया नाम नाम एक बार। ये सारी क्या है, इंटरनल कमांड्स है, छह होगी। अब आप देख लो सात नंबर MD, MD का मतलब मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, विंडोज में जो आप फोल्डर बनाते हो वो डॉस के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है। फाइल बनाने का वही चीज है, फाइल वही यहाँ पे यूज हो रही है, फाइल विंडो के अंदर यूज हो रही है, लेकिन डायरेक्टरी डॉस के अंदर यूज होती है, विंडो के अंदर उसको फोल्डर कह देते हैं। तो हमने फोल्डर बनाना है यहाँ पे, वो कह जाएगी डायरेक्टरी, तो MD कमांड काम आएगा। ये आपके पास रहेगा वैसे ही C:path, यहाँ पे लिखना आपने MD स्पेस, क्या नाम देना है, कोई भी नया नाम दे दो, NMPG दे दिया मैंने। ओके, एंटर करती डायरेक्टरी बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ, कुछ नहीं आएगा, मतलब ये डायरेक्टरी सेव होगी कंप्यूटर के अंदर। अब आप चाहते हो उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आठ नंबर कमांड अपने कर देंगे CD, क्या कर देंगे CD, क्या नाम था आपकी डायरेक्टरी का NMPG। अब एंटर जब करते हैं तो ये चीज़ तो ऐसे कैसे रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी NMPG और ग्रेटर देन का सिंबल है, ऐसे आ जाएगा ये NMPG अंदर फिक्स होगी इसके अंदर, यानी कि एक अलमारी है उसके अंदर सामान अपने को रखना, तो अलमारी खोलेंगे ये एक तरह से अलमारी की तरह होगी। अब इसके अंदर अपने क्या रखेंगे, सामान रखेंगे, सामान में क्या आ जाएगा, फाइलें आ जाएंगी। कंप्यूटर के अंदर डाटा मेन है, डाटा मतलब कुछ भी अपने लिख रहे हैं सारे डाटाज हैं, उनको अपने सेव करना है फाइल के रूप में, जो तो ज़्यादा फाइलें हो जाएंगी उसको कहीं रखेंगे फोल्डर के अंदर, वो यहाँ पर डायरेक्टरी कराएगी। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी बना दी, NMPG नाम से डायरेक्टरी बन गई। अब NMPG में कोई भी स्टूडेंट आता है अपने नाम से या तो डायरेक्टरी बना सकता है या अपने नाम से फाइल बना सकता है। यहाँ पे अपने कॉपी कॉन करके कॉपी कॉन स्पेस दे के अपने कोई भी फाइल का नाम दे दो, NM दे दो बताइए। अब यहाँ पे कुछ भी देखो एंटर करते ही लास्ट में अपने दबाना है F6, पहली कमांड अपने जो की थी वो दोबारा यहाँ करके देख सकते हैं, कॉपी कॉन स्पेस कॉपी स्पेस कॉन स्पेस NM एंटर किया, कुछ भी इसके अंदर लिखा, फिर F6 की है फंक्शनल की इसके अंदर आती है ऊपर ऊपर, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे Ctrl+Z आ जाएगा और एंटर कर दें तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, आपके पास ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो जो काम ऊपर कर रहे हैं DIR का यहाँ भी कर सकते हो, जैसे DIR करोगे तो उसमें एक फाइल शो कर देगा NM नाम से। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया, पहले अपना थ्योरी समझ लेते हैं उसको उसको अपने प्रैक्टिकल में करके देख सकते हैं। ये आठ कमांड थे। अब इसके बाद नौ नंबर अपने डेट दे सकते हैं, आज की डेट लिख के एंटर करो, आज की डेट दिखा देगा। दस नंबर टाइम, टाइम देख सकते हैं। तो ये टोटल 10 कमांड है, ये मैंने इंटरनल कमांड करवा दिया, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू।